मैं रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर रहा हूं। अच्छा, दूसरे केस में हम ये करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स को जीरो ले लेते हैं और एफ ऑफ वाई को हम वन ले लेते हैं। एक्स को हम जीरो ले लेते हैं और वाई को हम वन ले लेते हैं, सही है। तो हमने एफ ऑफ एक्स को जीरो और वाई को हमने वन ले लिया, और लेमडा हम एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, यहां तक कि लेमडा एक्स और y ये हमारे पास सेट c में मौजूद है, और क्यों सेट c में मौजूद होंगे, ऑब्वियसली ये तो मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा हम ये एक्चुअली वही लेमडा है, ये टीटा लेमडा पर कंफ्यूज ना हो, ये एक्चुअली हमारे पास लेमडा ही है, लेकिन यहाँ पर असल में हमने लेमडा एक पॉजिटिवली वैल्यू ली है, तो उसको फर्क करने के लिए हम टीटा लेमडा को इस तरह ले लेते हैं कि ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा है और 1 माइनस टीटा लेमडा लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा है। तो उसी तरह अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेमडा और 1 माइनस लेमडा को जब जनरली ऐड किया जाता है तो ये हमारे पास 1 आता है। यहाँ पर असल में हमने लेमडा वो जो एक्चुअली कन्वेक्स सेट में लेमडा होते हैं उसको हमने नोटेशन हमने बदल दिया, टीटा लेमडा ले लिया, तो इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। मतलब टीटा लेमडा हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है फ्रॉम 0 1। यहाँ पर एक्चुअली हमने लेमडा को हमने टीटा लेमडा लिया है, और जो एक्चुअल लेमडा होता है उसको हमने दूसरा बस लेमडा ले लिया है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन वही है। चूंकि सेट सी हमारे पास कन्वेक्स है तो सेट सी चूंकि हमारे पास कन्वेक्स है तो सेट सी हमारे पास कन्वेक्स है ना, तो एक सेकेंड, सेट सी अच्छा हमारे पास कन्वेक्स है तो टीटा लेमडा इंटू लेमडा एक्स, लेमडा एक्स असल में यहाँ पर एक पॉइंट है, और 1 माइनस टीटा लेमडा इंटू वाई ये सेट सी में मौजूद होंगे बिकॉज सेट सी इज कन्वेक्स। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर लेमडा एक्स एक पॉइंट है, ठीक है, लेमडा एक्स हमारे पास एक पॉइंट है। तो ऐसा करें, लेमडा को जरा इस 1 प्लस लेमडा के ऊपर ले आए, मतलब लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा और लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा, मतलब x लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा x और प्लस लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा y, ये सेट c में मौजूद होंगे। यहाँ पर हमने 1 माइनस टीटा लेमडा और टीटा लेमडा की वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर हम लेमडा और 1 लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा कॉमन ले लेते हैं, तो रह क्या जाएगा, x प्लस y रह जाएगा, x प्लस y रह जाएगा। और दूसरी बात ये कि चूंकि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये अंडरलाइन जो पॉइंट है, ये हमारे पास सेट c में मौजूद है, सेट c में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। और ये इस फंक्शन से हम इस कांस्टेंट लेमडा और 1 बाय 1 प्लस लेमडा, लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा को फंक्शन f से हम बाहर ले सकते हैं, क्यों फंक्शन f से हम बाहर ले सकते हैं। तो अब देखें, हमारे पास आ गया लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा इनटू f ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 1। अब जब यहाँ पर हम लेमडा इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे तो ये एक्चुअली हमारे पास लेमडा डिवाइड बाय 1 प्लस लेमडा खत्म हो जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा। कैसे 1 आ जाएगा, जरा मैं आपको ये वर्ड में कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जरा यहाँ पर वर्ड फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जरा आई होप ये वर्ड फॉर्म आपको नजर आ रही है ना। Yes, sir. ये वर्ड आपको नजर आ रहा है। अच्छा, मैं असल में ये लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा जो है, जरा इसको देख लें, लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा, पहले मैं जरा इसका साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि आप सबको क्लियर हो ये। अच्छा, देखिए आप लोग, लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा, इसको देखें, जब आप डिनोमिनेटर में अगर आप लोग डिनोमिनेटर में लेमडा को कॉमन लेंगे ये हमारे पास लेमडा अपनी जगह पर, ये लेमडा, और यहां से आप लोग लेमडा को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय लेमडा, ये बन जाएगा इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो ये लेमडा और ये ऊपर वाला लेमडा ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, मतलब ये फिर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1
प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाय लैम्डा, वन डिवाइड बाय वन प्लस वन बाय लैम्डा। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर लें, मतलब यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लैम्डा अप्रोचेस टू जब हम इंफिनिटी लेंगे तो ये 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना हमारे पास। तो 1 प्लस 0 1 आएगा और 1 डिवाइड बाय 1 1 होगा हमारे पास। तो इसी बुनियाद पर हमने यहां पर इसी बुनियाद पर हमने ये इसी बुनियाद पर हमने यहां पर ये कहा है कि जब हम लैम्डा इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो फिर ये लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा, f(x) + y less than or equal to 1 रह जाएगा। अब आप देखें f(y) को आप देख लें, केस 2 में f(y) 1 के बराबर है और f(x) 0 के बराबर है, मतलब ये 0 प्लस 1 मतलब f(x) + y it is less than or equal to 0 प्लस 1, और 0 f(x) के बराबर है और 1 f(y) के बराबर है, मतलब यहां भी हमारे पास f(x) + y ये f(x) + y से f(x) + f(y) से छोटा आ रहा है हमारे पास, ये इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड हो रही है। अब हम तीसरा केस लेंगे, तीसरा केस क्या है कि हम f(x) को 0 ले लेते हैं और f(y) को नॉन जीरो ले लेते हैं, ठीक है, और हम एक पॉजिटिव लैम्डा ले लेते हैं यहां तक कि लैम्डा x डिवाइड बाय f(y), जब f(y) नॉन जीरो है तो लैम्डा x डिवाइड बाय f(y) और y डिवाइड बाय f(y) ये एग्जिस्ट भी करेंगे, और उसी तरह केस 1 के मुताबिक ये दोनों पॉइंट्स सेट C में मौजूद होंगे, और थीटा लैम्डा को हम उसी तरह 1 डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा और 1 माइनस थीटा लैम्डा को लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा लेंगे। तो चूंकि सेट C कन्वेक्स है तो थीटा लैम्डा इनटू लैम्डा x बाय f(y) प्लस 1 माइनस थीटा लैम्डा इनटू y डिवाइड बाय f(y) ये सेट C में हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है ना। अब थीटा लैम्डा और 1 माइनस थीटा लैम्डा इसकी वैल्यूज आप लोग यहां पर पुट कर लें, वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सेट C में मौजूद है, सेट C में मौजूद है तो मतलब यही है कि इस पॉइंट पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये पूरा फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहां से हम लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा और f(y) इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और फंक्शन f को हम खाली x प्लस y पर अप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह जब हम लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे तो ये लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा खत्म हो जाएगा, मतलब ये 1 के बराबर आ जाएगा और रह जाएगा हमारे पास f(x) + y डिवाइड बाय f(y) लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, मतलब f(x) + y इट इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मतलब 0 मतलब सॉरी 1 हमारे पास आ जाएगा। हम इस तरह करते हैं f(x) + y डिवाइड बाय f(y) लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, हम f(y) को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो f(x) + y f(y) से छोटा आ जाएगा, ठीक है, f(y) से छोटा आएगा। तो f(y) को तो हम f(y) + 0 करके लिख सकते हैं, और केस 3 में जो ये 0 है ये f(x) के बराबर है, केस 3 में जो 0 है ये f(x) के बराबर है, मतलब यहां भी हम f(x) + y लेस देन इक्वल टू f(x) + y ही आ रहा है। इसी तरह आप f(x) अगर 0 ले लें और f(y) 0 ले लें ये हम साबित कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ था, ठीक है, और बाकी ये एक सेमी नॉर्म की डेफिनेशन है, ये आप लोग फंक्शनल में पढ़ें, ये आप लोग सेमी नॉर्म की डेफिनेशन हम आप लोग खुद देख लें, फिर हम इंशाल्लाह फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर लें। ओके सर, नो क्वेश्चन।